नमस्कार जस्टोमनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। जस्टोमनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 20 जनवरी, वार है शनिवार। शो में हम बात करेंगे चावल के बारे में, जहां इंडोनेशिया ने 5 लाख टन चावल आयात करने का टेंडर जारी किया है। जहां इंडोनेशिया की सरकारी खरीदार एजेंसी बोलोंग ने चावल की खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी किया। ये न्यूज़ यूरोपीय कारोबारियों ने दी है। उन्होंने बताया है कि बोलोंग ने ये नवीनतम टेंडर 5 लाख टन चावल की खरीद के लिए जारी किया है। इसमें आगे बताया गया है कि सफ़ेद चावल की आगामी फरवरी और मार्च 2024 में आवक होनी है। इस टेंडर को भरने की अंतिम तिथि 9 जनवरी है। संभवतः चावल का मूल वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, पाकिस्तान, भारत और चीन हो सकता है। उन्होंने ये बताया है कि बोलोंग ने अपने नए टेंडर की शर्तों में ये कहा है कि ये चावल 5% टुकड़ा ग्रेड का होना चाहिए और इसकी मीलिंग 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो सकती और ये चावल सीजन 2023-24 का होना चाहिए। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इंडोनेशिया ने बीते दिसंबर महीने किसानों को धान की रोपाई के लिए किसानों की मदद करने का आदेश दिया था, क्योंकि सूखे की वजह से इस दक्षिण पूर्वी एशियाई सबसे अधिक घनी आबादी देश में उत्पादन की कमी आई थी। उत्पादन तुलनात्मक रूप से नीचे होने की वजह से घरेलू बाजार में चावल की कीमत बढ़ती ही जा रही है। इसके फलस्वरूप आयात की जरूरत पड़ रही थी और खाद्य सुरक्षा को भी खतरा महसूस हो रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की खबरें दे सकें। अल नीनो मौसमी चक्र से फसल प्रभावित हुई और जनवरी और फरवरी महीनों में इंडोनेशिया का चावल उत्पादन एक साल पहले की तुलना में 46.30% लुढ़कने की आशंका व्यक्त की गई और यह नया टेंडर इंडोनेशिया सरकार द्वारा लगातार आयात के लिए किए जा रहे प्रयासों का ही एक हिस्सा है। बीते दिसंबर महीने में एक टेंडर के अंतर्गत 5 लाख टन से भी कुछ अधिक चावल की खरीद की गई थी। ये चावल थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार से खरीदा गया। यूरोपीय कारोबारियों ने कहा कि दिसंबर की खरीद तत्काल शिपमेंट के लिए थी और इसकी आवक 30 जनवरी तक होनी है। दोस्तों, अजस्ट मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विशेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। नमस्कार।